अयोध्या की रामलीला में भगवान राम का रोल अदा कर रहे अभिनेता राहुल भूचर ने भगवान राम की पोशाक पहनकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अभिनेता राहुल भूचर ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से ही उन्हें रामलीला में भगवान राम के किरदार को जीने का मौका मिला। वहीं अभिनेता राकेश वेदी ने भी रामलला का दर्शन कर पूजन किया। उन्होंने कहा कि रामलला का दर्शन करने से दिल एकदम से भर गया। मैंने ये सोचा कि हमारी जो अयोध्या की रामलीला है इतनी भव्य रामलीला है और इतनी शिद्दत से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पिछले 2-2.5-3 महीने से रात दिन इसकी तैयारी कर रहे हैं, सेट्स हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, तो मेरे को ये लगता था। और हमने ये कॉस्ट्यूम्स बनवाए, स्पेशली किसी का कॉस्ट्यूम कोई नेपाल से आया, रावण का जो मुकुट था वो श्रीलंका से आया, राम जी का कॉस्ट्यूम नेपाल से आया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार इस कॉस्ट्यूम के साथ दर्शन करेंगे तो कॉस्ट्यूम को भी रामलला का आशीर्वाद मिलेगा और ये आशीर्वाद बहुत दूर तक जाएगा, चाहे हम अगले साल भी करें, अगले से अगले साल भी करें। अब तो ये अयोध्या की रामलीला बहुत भव्य होने वाली है, आज ही विश्व भर में कम से कम 20 करोड़ इंसानों ने, दर्शकों ने इसको देखा है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये और भव्य होती जाएगी। लेकिन जो आज हमें आशीर्वाद मिला है रामलला का, तो देखिए रामलीला तो अब आपको, जब आदमी छोटा बच्चा होता है तो, जब मैं छोटा था तो हमारे वो पास में एक जमुनपुर गांव था, वहाँ रामलीला होती थी, तो मैं वो देखने जाता था। तो मुझे लगता कि मैं इंटी ऐसा कब बनूंगा, मैं कब एक्टर बनूंगा, मुझे कब मौका मिलेगा मन पे चढ़ने का। मुझे नहीं पता था कि अयोध्या की रामलीला में, अयोध्या में आकर मुझे रामलीला करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा मुझे, ये रामलला का आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है। इतने साल जो हमने काम किया, अब उसका ये